हेलो स्टूडेंट्स अब हम पास एडजस्टमेंट्स का टॉपिक कर रहे हैं इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट्स क्लोज कर लिए होते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो कोई गलती पकड़ी जाती है और वो गलती अब अकाउंट्स को बिना खोले हम ठीक करेंगे तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसी गलती हो सकती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए या रेट गलत लगा दिया सैलरी छूट गई या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी थी उसके बजाय कोई और ही यूज़ कर ली तो सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल एज कैपिटल इज़ फिफ्टी थाउजेंड बीज कैपिटल इज़ रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड और जब ये पूरे साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके पार्टनर्स तो इनको फिर एकदम ख्याल आया कि जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन उन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन डीड में लिखा था वो तो अलाउ ही नहीं हुआ तो अब देखें किसी भी गलती को कैंसिल कैसे करना है ये तो आपको पता है कि डेबिट को कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है तो अब हम क्या करेंगे एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे एक कॉलम में आएगा पार्टनर का नाम दूसरे कॉलम में डेबिट तीसरे कॉलम में क्रेडिट और चौथे कॉलम में हम नेट डेबिट या क्रेडिट लिखेंगे अब देखिए कि सिक्स परसेंट पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड इसका मतलब अगर हम देते इंटरेस्ट के लिए पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो सिक्स परसेंट उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बनता वो हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे और जो उन दोनों का टोटल बनेगा उसको हम कैंसल कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग इंग्रेशो और इस केस में वो इक्वल दिया है, तो हमने ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईच कर दिया नेट इफ़ेक्ट क्या आया थ्री हंड्रेड क्रेडिट इन केस ऑफ़ ए एंड थ्री हंड्रेड डेबिट इन केस ऑफ़ बी तो हम एंट्री यहाँ से पास करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट थ्री हंड्रेड और हम नरेशन बी एस इट इज लिखेंगे बींग द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें एक्स और वाई की कैपिटल है एटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री रेशो टू उन क्या किया इंटरेस्ट जो है सिक्स परसेंट लगा दिया लगाना था एट परसेंट इंस्टेड ऑफ़ का मतलब एट परसेंट लगाना था लेकिन सिर्फ सिक्स परसेंट लगाया इट मीन्स हर पार्टनर को दो परसेंट इंटरेस्ट कम मिला तो वो दो परसेंट हम एटी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड पे हो कैलकुलेट करके क्रेडिट कर देंगे और उन दोनों का टोटल जो है अमाउंट वो हम कैंसिल करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर देंगे नेट अमाउंट क्या आएगा एटी डेबिट फॉर एक्स और ए टी क्रेडिट फॉर वाई एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई इस कैपिटल अकाउंट तो ये एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी अगर इस केस में कैपिटल्स फिक्स्ड होती अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लें एक्स कैपिटल है वन लैख वाइज कैपिटल है एटी थाउजेंड जेड्स कैपिटल है सिक्सटी थाउजेंड और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है टू रेशो टू रेशो वन इनके केस में क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट नाइन परसेंट पर एन एम इंस्टेड ऑफ़ सिक्स परसेंट पर एन एम इंस्टेड ऑफ़ का मतलब इतना करना था मींस सिक्स परसेंट पर एन एम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन दे दिया नाइन परसेंट पर एन एम तो थ्री परसेंट पर एन एम के हिसाब से हर पार्टनर को हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अब हम क्या करेंगे उस थ्री परसेंट को हम कैंसिल करेंगे और जो भी उनका टोटल अमाउंट बनेगा उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैंसिल करेंगे तो क्या बना थ्री परसेंट थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड एटीन हंड्रेड और इसका टोटल हमने टू रेशो टू रेशो वन में क्रेडिट कर देना है और नेट अमाउंट करेंगे कैलकुलेट तो वन हंड्रेड ट्वेंटी डेबिट आया फॉर फो एक्स फोर हंड्रेड एटी क्रेडिट आया फॉर वाई और थ्री हंड्रेड सिक्सटी डेबिट आया फॉर जेड तो इससे मिला के हम एंट्री क्या पास कर लेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वन हंड्रेड ट्वेंटी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू वाइज कैपिटल अकाउंट फोर हंड्रेड एटी बींग दी एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स की गलती हुई पी की कैपिटल थी एटी थाउजेंड ड्राॅंग्स थी टेन थाउजेंड क्योंकि कैपिटल थी सिक्सटी थाउजेंड और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर थी एट थाउजेंड डेट ऑफ ड्राइंग्स इज़ नॉट गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दो पार्टनर्स की थी थ्री रेशो टू और इनके केस में गलती क्या हुई कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पाँच परसेंट पर एन एम के हिसाब से लगाना भूल गए तो फाइव परसेंट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल में से हम लेते तो उनको डेबिट करते तो अब हम उनको फाइव परसेंट के हिसाब से उनकी ड्राइंग्स के ऊपर सिक्स मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डेबिट कर देंगे और जो भी इन दोनों का टोटल होगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में क्रेडिट कर देंगे तो नेट अमाउंट क्या बना ट्वेंटी रुपीज़ क्रेडिट इन केस ऑफ पी और ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट इन केस ऑफ क्यू तो जनरल एंट्री क्या पास कर लेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज़ कैपिटल अकाउंट बींग द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब हम देखें कि अगर ऐसी कई किस्म की मिस्टेक्स इकट्ठी हो जाएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत लग गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गलत लग गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत हो गई सैलरी भी छूट गई तो इतने कुछ में हम क्या करेंगे बच्चे बहुत सिंपल है बिल्कुल सही मेथड है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपिएशन अकाउंट बनाते हो तो आपने बस नाम बदल देना है वही दोबारा बना लेना है लेकिन कंसिडरिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वैसे ही प्रॉफिट क्रेडिट करोगे वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह डेबिट करोगे और उसके बाद आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है कि क्या किसी पार्टनर को मिलना चाहिए था और क्या मिला तो अब हम जो कम ज़्यादा होगा अमाउंट या शॉर्टेज और सरप्लस है वो हम एडजस्ट करके एंट्री पास कर दें तो अब हम एक इलास्ट्रेशन ऐसी ले रहे हैं ए बी और सी तीन पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है थ्री रेशो टू रेशो वन उनकी कैपिटल्स हैं रुपीज़ टू लैख रुपीज़ वन लैख एट्टी थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और प्रॉफ़िट उन्होंने एनुअली सिक्सटी थाउजेंड अर्न किया लेकिन जब उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया उनके बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन लगाना भूल गए बी और सी को पूरे साल की तीन तीन हज़ार रुपये सैलरी देनी थी वो भी भूल गए और गलती से प्रॉफिट भी गलती से इक्वली ही शेयर कर बैठे अब देखें हम ऐसे में कैपिटल अकाउंट्स को कैसे एडजस्ट करेंगे बच्चे मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बस है नाम ही बदला है हमने क्योंकि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना नहीं सकते वो तो हो चुका काम ये अब हम सिर्फ करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं अकाउंट तो वैसे ही गिवन प्रॉफिट है हमारा सिक्सटी थाउजेंड क्रेडिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना लगता सिक्स परसेंट पर एन एम ऑन टू लैख वन लेख एटी थाउजेंड एंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली बी और सी की सैलरी पर एन एम उन्होंने दिया है थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड और फिर हम बैलेंस करेंगे अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब उन्होंने थ्री टू वन बोली है तो हमने नई वाली सही वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज़ करके अकाउंट कंप्लीट कर दिया अब हमने क्या करना है एडजस्टमेंट टेबल बनाना है अब जो गलती से काम हुआ है वो तो हमने वापस ले लेना है तो गलती से बराबर बराबर प्रॉफिट लिए थे तो वो हमने कैंसिल करके डेबिट कर देने हैं और जो नई प्रॉफ़िट एंड लॉस एडजस्टमेंट से जो आइटम्स बनी हैं उनके हिसाब से हर पार्टनर को जो जो क्लेम मिलना है उसको हमने क्रेडिट करना है तो हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और उसका प्रॉफिट प्लस कर दिया ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड बना बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है सैलरी भी मिलनी है और प्रॉफ़िट में से हिस्सा भी और सी को प्रॉफ़िट भी मिलेगा सैलरी भी मिलनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी उसका हिस्सा था तो ये टोटल बन गया इसका सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो जब हमने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को कंपेयर किया तो ट्वेंटी एट हंड्रेड क्रेडिट आया एक एक लिए ट, वन थाउजेंड बी uh, के लिए क्रेडिट आ गया और थर्टी एट हंड्रेड डेबिट आ गया सी के लिए तो अब हम इन तीनों नेट अमाउंट से एंट्री के पास करेंगे सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल टू बी इज़ कैपिटल तो कि सी के सामने हम थर्टी एट हंड्रेड लिख देंगे ए के सामने ट्वेंटी एट हंड्रेड लिख देंगे और बी के सामने हम वन थाउजेंड लिख देंगे और वैसे ही नरेशन लिख देंगे बच्चे आपने इन केसेस में दिया देखा क्या देखा कि हमेशा नेट डेबिट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट ऐसे भी हो सकता है कि दो पार्टनर डेबिट हों एक क्रेडिट हो ऐसे भी हो सकता है दो क्रेडिट हों एक डेबिट हो ऐसे भी हो सकता है एक डेबिट एक क्रेडिट और एक का नो no इफेक्ट हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कैसा भी क्वेश्चन आ गए हमने हमने ऑलमोस्ट सब मेन केसेस कवर कर लिए होप है बच्चे समझ आ गया होगा और प्रैक्टिस makes a man perfect.